और जालंधर में आज आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने चुनाव जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय कम है लेकिन जालंधर के सभी कार्य पूरे होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिस पैसे का घोटाला हुआ है उसका भी हिसाब होगा। आइए सुनते हैं सुशील कुमार रिंकू ने जीत के बाद और क्या कुछ कहा है। कठिया राजनीतिकरण की कोशिश भी की थी पर लेकिन जालंधर वासिया ने प्यार सत्कार का सबूत दिता। जो गरंटियां आम आदमी पार्टी ने 2022 दी इलेक्शन दे विच साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब दे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब दे लोकां दित्तियां सी उह सारियां गरंटियां की करके जिहड़ियां असीं पूरियां कर रहे हां उन्हां सारियां गरंटियां दे उत्ते पंजाब कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली दे अंदर महला क्लिनिक खोले सी उसे तरह दे महला क्लिनिक पंजाब दे अंदर सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार खोल रही है। लगातार सख्त मेहनत आ गई कि लगातार स्कूल ऑफ एविनेंस खोल रहे ने गे अध्यापकों ट्रेनिंग देने लिए बाहर भेज रहे ने गे हरभजन सिंह जी ईटीओ बैठे ने लगातार लगातार यत्न कर रहे ने गे 300 यूनिट हरेक घर तक मुफ्त मिली। मेरा कहने का भाव साढ़े सारे साथी जड़े अज बैठे